बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स। में ये देखिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आ के है ब्रेकफास्ट रेसिपी इडली। सॉफ्ट इडली कैसी बनती है मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है माश की दाल। ये माश की दाल को 3 से 4 घंटे भिगाई में, और ये देखिए ये है इडली का रवा, इसको भी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं भिगा के पानी में। ये देखिए मैं रवा ली, 1 गिलास से 2 गिलास इडली रवा और 1/2 गिलास माश की दाल इडली के लिए, इसका मेजरमेंट है। ये देखिए पहले तो दाल को साफ 4 से 5 पानी से धो के इसको पीस लेना। अब दाल अच्छे से भीग चुकी है, ये देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले एक जार ले लेंगे, देखिए जार। अब ये दाल इसमें ऐड करके दाल को पीस लेंगे। इसको कौन सी भी गिलास से आप 2 गिलास दाल रवा लेंगे तो 1/2 गिलास दाल लेना है, इसका मेजरमेंट है फ्रेंड्स। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं पीस के दिखाऊंगी मैं आपको। इधर देखिए माश की दाल अच्छे से पीस चुकी है, देखिए एकदम सॉफ्ट। अब क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे दाल को। इसको निकाल के दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से पीस चुकी है माशाल्लाह। देखिए इस तरीके से पीस लेना माश की दाल, एकदम सॉफ्ट। अब अगला स्टेप है, अब इसको रख देंगे बाजू। अब क्या करेंगे, इस इडली रवे को ऐसा मसलते हुए 4 से 5-6 पानी से इसको धोना है। इसको रवे को अपन जितना धोएंगे इडली उतना सॉफ्ट बनेगी फ्रेंड्स। देखिए सॉफ्ट भी बनती है और वाइट भी बनती है इडली रवा को ज़्यादा धोने से। अब इसका पानी निकाल लेके फिर से 3 से 4 पानी से धो के दिखाऊंगी मैं आपको। पहले तो इसका पानी निकाल लेंगे। अच्छे मसलते ही है सब साफ रगड़ के पानी डाल के फिर से पानी निकाल के फिर पानी डाल के ऐसे 3 से 4 बार अच्छे से इसको धो लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इडली रवा धोने का तरीका, इसको 5 से 6 पानी से तुम कितना धोएंगे उतना वाइट बनेगी और इडली भी सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए मैं 3-4 पानी से धो दी मैं, और भी देखिए इसका जो भी इसका वाइट पन पूरा है ये गए तक इसको धो लेना। ये देखिए पानी को निकालते रहना, दूसरा पानी डालते ही इडली को धोना, जब ही सॉफ्ट इडली बनेगी होटल जैसी एकदम। और ये देखिए इस तरीके से मसलते ही ये धोने का रहता, जब ही इडली का सॉफ्ट पन आता। देखिए कितना वाइट हो गया, देखिए रवा। अब इसको एक और पानी से धो के मैं दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए ये आखिरी बार धो रही है, वो से 6 बार धोई मैं इडली को रवे को। अब इसको निकाल के ऊपर से पानी निकाल लेंगे इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, रवा अच्छे से साफ धोए, देखिए कितना वाइट होगा इडली रवा। अब क्या करेंगे, इसको दो हाथों से इधर पानी निचड़ते हुए इसमें ऐड करेंगे दाल में, माश की दाल में।
सभी इसमें डाल के दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, रवा धो के इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। मैं 1 चम्मच से 2 चम्मच ऐड करी और इसमें डालेंगे खाने का सोडा। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरीके से दाल और इडली रवा दो अच्छे से मिक्स हो जाना, इस तरीके से फेरते हुए। ये देखिए ऐसा, 3 से 4 मिनट तक ऐसी इस तरीके से ऐसी फेटेंगे इसको, सोडा नमक अच्छे से मिक्स होने तक। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब क्या करेंगे, अतरा से साफ करके अब रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, इस पर ढक्कन डाल के। इसको कल सुबह में दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे इडली का बैटर अच्छे से फूल चुका है, माशाल्लाह। देखिए इस तरीके से फूलना इडली का बैटर। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। सुबह हो चुकी है, परफेक्ट बैटर इडली का। ये देखिए थिकनेस, अब क्या करेंगे, ये देखिए इडली की प्लेट सही है। ये देखिए इधर पानी चढ़ा दी मैं इडली का गरम होने के लिए, प्लेट से ये। अब क्या करेंगे, इडली इसमें डालेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनती फ्रेंड्स इडली, इस तरीके से बनाएंगे तो। ये देखिए इसके 3 प्लेट है, ज्यादा नहीं डालना, थोड़े थोड़े मीडियम से। इसकी इडली अच्छी लगती खाने में और सॉफ्ट भी रहती। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी गर्म हो गया इडली का। अब इसमें रख लेंगे ये प्लेट्स। ये देखिए इसके बाद में 3 प्लेट्स है इसके, और ये रख लेंगे सेकंड और अब तीसरा रख लेंगे। लगा देंगे इसको। के लिए फली भून ली इसमें, नमक हरी मिर्ची लहसुन वही डाल ली। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करके इसकी चटनी पीस लेंगे। इसको ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए हमारी चटनी पीस के तैयार है। अब इसको क्या करेंगे, बघार लेंगे इसको। सूखी मिर्ची देना, थोड़ी सी राई, जीरा, सूखी मिर्च और इसमें इसको चटनी में डाल लेंगे बगैर। हमारी इडली की चटनी बन के तैयार है फ्रेंड्स, हमारी इडली बन के तैयार है माशाल्लाह। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे इसको, एक एक प्लेट।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली बनके तैयार है माशाल्लाह। अब इसको निकाल लेंगे इसको। एकदम सॉफ्ट इडली माशाल्लाह। सभी इडली निकाल के दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली बनके तैयार है माशाल्लाह। कितनी अच्छी बनी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। देखे ऐसा तोड़ेंगे तो फूल के जैसी मुलायम माशाल्लाह। ये देखिए इडली हमारी एकदम सॉफ्ट इडली बनी। आप लोग भी मेरे बताए हुए तरीके से ट्राई कीजिए इडली, सिंपल और ईजी प्रोसेस है। देखिए इधर चटनी भी बन के तैयार है। देखिए चटनी में बेहतरीन बनी इडली और चटनी माशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है। और मेरी इडली की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।